जिले के देवसर के नए एसटीओ पी आशुतोष द्विवेदी पदभार ग्रहण करने के बाद ही यातायात को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए सड़क पर निकल गए। नए एसटीओपी जियावन पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर यातायात व्यवस्था व कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखने व मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने के लिए लोगों को हिदायत दी। वहीं जियावन बाजार में फ्लैग मार्च के बाद कर्मचारियों एवं स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए एसटीओपी द्विवेदी ने अपनी पहली प्राथमिकता को बताते हुए कहा कि देवसर शहर के बाजार की स्थिति ठीक नहीं, जिससे पुलिस जवानों के साथ अवैध अतिक्रमणकारियों व वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और व्यवस्था को सुचारू एवं सुदृढ़ बनाई जाएगी, ताकि यातायात व्यवस्था व आमजनों को समस्या ना हो और महिला संबंधित अपराध हो तथा ST/SC एक्ट के अपराधों में प्रॉपर सुपरविजन और प्रिवेंशन हो सके। यह हमारी पहली प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता तो ये है कि जैसे ही मैंने पदभार ग्रहण किया है, यातायात की बहुत बड़ी समस्या दिखाई दी मुझे, जो पूरे मार्केट पर गाड़ियों का अतिक्रमण रहता है, इसके खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जाएगी। दूसरा, अवैध मादक पदार्थ जैसे कुछ कोरेक्स की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इन सब पर लगाम लगाया जाएगा और सूचना प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त महिला संबंधी अपराध और ST/SC एक्ट, इन चीज़ों का प्रॉपर सुपरविजन और इन पर प्रिवेंशन दोनों हो सके, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। सिंगरौली से देव प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।